दोस्तों इस महीने जुलाई की पहली तारीख से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। देखिए 1 जुलाई को बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम। उत्तर प्रदेश बिहार समेत कई राज्यों में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं ये तो अपन जानेंगे ही। इसके अलावा आज सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम सोना और चांदी के रेट क्या चल रहे ये भी देखेंगे। साथ ही जानेंगे आज से एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, गाड़ियां खरीदना महंगी हुई है, हमारे देश में कुछ नए कानून भी लागू हुए हैं, आज से क्या क्या बदल चुका है। इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो तो मैं आपको डीएलएस न्यूज पर पहले ही बता चुका हूँ, नए नियम वाला तो राइट। लेकिन यहाँ अपन जानेंगे दोस्तों आज से पर्टिकुलर हमारे देश में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहला अपडेट देखिए दोस्तों, जियो एयरटेल वोडाफोन तीनों कंपनियों के रिचार्ज प्लान जुलाई से ही महंगे होने जा रहे हैं और आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 31 रुपए सस्ता हुआ है। अब अगर सिम कार्ड आपका चोरी हो गया, टूट गया, खराब हो गया तो नई सिम कार्ड आपको मिनिमम 7 दिनों में मिलेगी, एंड टू एंड नहीं मिलेगी। इस तरह के और भी कई नियम लागू होने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप कॉमर्शियल गैस सिलेंडर खरीदना 31 रुपए तक सस्ता हुआ है। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता ना उसमें सरकार ने कीमतों में गिरावट की है और इस गिरावट के बाद दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में अभी इसके नए रेट क्या चल रहे ये तो आप देख ही सकते हैं। और बाकी दोस्तों घरेलू गैस सिलेंडर जो आता ना हमारे घरों में काम में लेने वाला खाना बनाने का 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके रेटों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लगभग इस साल फरवरी से ही उसके रेट वही चल रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, जियो का रिचार्ज प्लान अब आपको 25% तक महंगा पड़ेगा। 239 वाला प्लान अब 299 रुपए में मिलेगा। 3 जुलाई 2024 से ही रिलायंस जियो की नई कीमतें लागू होने जा रही है। 666 वाला प्लान अब आपको 799 में मिलेगा, तकरीबन 800 रुपए में, मतलब 150 रुपए तक महंगा पड़ेगा। और भी ये पूरी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे 155 वाला प्लान, 209 वाला, 399 वाला, अब आपको कितने कितने में पड़ेंगे। अच्छा जियो के बाद आपको पता होगा एयरटेल ने भी अपने रिचार्ज प्लान में 21% तक की बढ़ोतरी कर दी है। एयरटेल का 179 वाला प्लान अब आपको 199 में मिलेगा। और ऐसे एयरटेल के भी आप अलग अलग रिचार्ज प्लान के रेट लिस्ट देख ही सकते हैं। जियो और एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रिचार्ज प्लान लगभग 20% तक महंगे कर दिए हैं। इसका भी 179 वाला प्लान 199 में मिलेगा। हालांकि जियो एयरटेल के प्लान में बढ़ोतरी दोस्तों 3 जुलाई से होने जानी है, लेकिन वोडाफोन आइडिया VI के रिचार्ज प्लान 4 जुलाई से महंगे होंगे, एक दिन बाद ये नई कीमतें लागू होगी। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर जुलाई में आपको ये महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। और भी ये VI के अलग अलग रिचार्ज प्लान की रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। ओके तो ये तो मोबाइल रिचार्ज की बात हो गई कि अब आपको महंगे पड़ेंगे। वहीं दोस्तों गाड़ियां व्हीकल वगैरह भी कुछ कंपनियां महंगी कर चुकी हैं। देखिए आप टाटा मोटर्स ने 2% तक बढ़ाए कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम। 1 जुलाई 2024 से ही ये नई कीमतें लागू हो चुकी हैं ऑलरेडी। पिछले एक साल में टाटा कंपनी का स्टॉक 73% तक चढ़ा है और अभी ये गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने के बाद टाटा के स्टॉक में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। और टाटा के बाद एक और ऑटोमोबाइल कंपनी ने भी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। 1 जुलाई 2024 से ही बाइक स्कूटर खरीदना महंगा पड़ेगा और वो कंपनी है दोस्तों हीरो कंपनी की गाड़ियां भी महंगी होने जा रही हैं, क्योंकि कंपनी ने 1500 रुपए तक इसके दाम बढ़ा दिए हैं। पिछले एक साल में हीरो के स्टॉक में भी 93% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। तो कुल मिलाकर 1 जुलाई से टाटा और हीरो की ये गाड़ियां तो महंगी होने जा रही, ठीक है। इससे अभी कुछ दिनों पहले 10-15 दिन पहले मैंने आपको बताया भी था, सारी डेयरियों ने लगभग 2 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ा दिए थे। अमूल के बाद मदर डेयरी और भी बहुत सारी अलग अलग एरियाज की डेयरी के रेट लिस्ट मैंने आपको बताए भी थे ना। हालांकि एक अच्छी खबर है दोस्तों, जल्दी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना सस्ता हो सकता है। वजह यह कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर भी इरडा की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। पॉलिसी अब अगर आप बीच में सरेंडर करते हो तो अब आपको ज्यादा पैसा मिलेगा पहले से, तो पॉलिसी मेंटेन करना भी आपके लिए सस्ता होगा, क्योंकि प्री मैच्योर पॉलिसी बंद करने पर अब आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। एक साल में भी अगर अब आप सरेंडर कर देते हो ना तो भी आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी इरडा की तरफ से ये कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। सिंपल मतलब ये दोस्तों कि मान लीजिए आपने कोई बीमा पॉलिसी खरीदी, ठीक है, और उसमें आप 2-4-5 किस्तें भरी हो प्रीमियम EMI, उसके बाद आप नहीं भरना चाहते, उस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हो, ब्रेकडाउन करना चाहते हो, तो ऐसे सिनेरियो में भी अब आपको आपकी जो जमा कराई हुई किस्तें हैं उनका अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको वापस सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। जबकि पहले 2 साल में भी आप पॉलिसी सरेंडर करते थे ना तब भी 30% ही आपको रिटर्न बैक मिलता था। अच्छा इसके अलावा इरडा की तरफ से एक और फरमान ये जारी किया गया कि अब ग्राहकों को निवेश का लालच देकर भी बीमा कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच पाएगी। यूलिप प्लान को NFO नहीं बता सकती है। सिंपल मतलब बताऊं तो विज्ञापन में यूनिक लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर नहीं दिखा पाएगी अभी इंश्योरेंस कंपनियां, है ना। अच्छा इसके अलावा आज 1 जुलाई से ही नए आपराधिक कानून भी लागू होने जा रहे हैं। आप देश के किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज करवा सकेंगे, तो इससे आपका FIR दर्ज करवाना भी सस्ता पड़ेगा। पता कैसे? क्योंकि आपको अपने नजदीकी थाने में जाने का रहेगा, वरना इतने दिन क्या था। अगर आपको आपके किसी एरिया की FIR दर्ज करवानी होती थी तो आपको आपके गांव, आपके शहर, आपके जिला, आपके तहसील में जाना पड़ता था, राइट। अच्छा इसके अलावा गाड़ी का तेल खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई से तो आप मोबाइल और ईमेल के जरिए घर बैठे ही रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं FIR, और उस रिपोर्ट पर 3 दिन में साइन करना जरूरी भी होगा। देश के किसी भी कोने में किसी भी थाने में आप FIR दर्ज करवा पाएंगे घर बैठे। ये नई सुविधा आज से आपको मिलने जा रही है, क्योंकि आज से हमारे देश में जो ये 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं इनमें काफी धाराएं बदल चुकी हैं। मैं आपको
ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो आप खुद भी पक गए होंगे कि यहाँ डीएलएस भाई बार बार ये चीज क्यों बताते हो, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों गेहूं की कीमतों को काबू में रखने के लिए भी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। होलसेलर्स के लिए ये स्टॉक लिमिट 3000 टन प्रति व्यापारी तय की गई है, जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। तो आपको गेहूं का आटा, गेहूं वगैरह खरीदना थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट लागू होने के बाद गेहूं की कालाबाजारी रुक पाएगी, है ना। इससे पहले हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार ने लगभग 14 फसलों के एमएसपी मूल्य भी बढ़ाए थे किसानों से जुड़े, जो अपडेट भी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताए थे। धान की एमएसपी 117 बढ़ाकर 2300 कर दी है। तुअर की दाल में एमएसपी में भी 550 रुपए तक का इजाफा देखा गया। और वहीं दोस्तों वित्त वर्ष 2024-25 का फुल बजट भी इस महीने मिड जुलाई में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्दी बजट मीटिंग भी शुरू करेगी। और इस बजट में आपको पता होगा सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की भी प्लानिंग कर रही है। तो हो सकता है कि पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी में आया तो 20 रुपए तक दाम इसके कम हो जाएंगे, मतलब आपको 75 रुपए प्रति लीटर ही मिलेगा पेट्रोल डीजल। अभी हर लीटर पर 35 रुपए तक सरकारें टैक्स के रूप में कमाती हैं, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट का ये खुद कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आया और सरकार ने इस पर 28% टैक्स स्लैब भी रखा ना, तब भी आपको 75 रुपए प्रति लीटर में पेट्रोल डीजल मिल सकता है। वो कैसे, इसका पूरा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कुछ राज्य सरकारों के फैसले भी देखिए आप। झारखंड राज्य में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी जुलाई से ही। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ चुका है। और भी कैबिनेट में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और झारखंड राज्य में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। जुलाई से ही सरकार ये भी नई योजना शुरू करने जा रही है। 25 से लेकर 50 साल तक की उम्र वाली महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। जुलाई में मतलब ये योजना शुरू हो जाएगी, तो अगस्त से ही खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में चलती है ना लाडली बहना योजना, ठीक वैसे ही झारखंड में भी अब हर महीने महिलाओं को ये 1000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य की तकरीबन 40 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के लिए झारखंड के चंपई सोरेन सरकार की तरफ से ये बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है। कुछ ऐसी घोषणा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बजट में भी की थी। महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा। 5 लोगों के परिवारों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे सालाना। और महिलाओं को ये भत्ता जो है ना ये जुलाई से ही मिलना शुरू हो जाएगा 1500 रुपए हर महीने, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल के रेट की। तो देखिए दोस्तों क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के चलते कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट में बदलाव देखने को मिला है। 1 जुलाई से ही कच्चे तेल के भाव में उछाल देखने को मिला, मतलब क्रूड ऑयल महंगा हुआ है। तो इसके चलते बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल रेट थोड़े बढ़े हैं। राज्य स्तर पर बात करें दोस्तों तो आज बिहार में पेट्रोल 37 पैसे बढ़कर 107 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर चल रहा, जबकि डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। और अभी डीजल 93 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इसी तरह से चेन्नई में भी पेट्रोल 10 पैसे और डीजल 10 पैसे आज सस्ता हुआ है, ठीक है। कोलकाता में पेट्रोल 1 रुपए 1 पैसे और डीजल 1 रुपए तक महंगा हुआ आज से ही। और भी ये देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि सभी राज्यों में तो बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में जरूर रेटों में कीमतों में बढ़ोतरी सस्ती देखने को मिली है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, अगर आप भी HDFC बैंक के ग्राहक है तो अब आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना महंगा पड़ेगा। हालांकि HDFC कार्ड को लेकर ये नियम 1 अगस्त 2023 से लागू होगा, जिसके तहत अब आपको कई तरह की अलग ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ेगी तकरीबन 1% तक। अब इसके बारे में डिटेल जानकारी वैसे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और HDFC क्रेडिट कार्ड के नियम तो अगस्त में बदलेंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी जुलाई से भी कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड के रूल्स बदलने जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक, SBI, HDFC के अलावा भी और भी कई सारे बैंक हैं। जैसे SBI की बात करें दोस्तों तो SBI में अब आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे 1 जुलाई से ही कई तरह के क्रेडिट कार्ड पर। ये कुछ तो लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सभी कार्ड पर अब आपको रिवार्ड पॉइंट मिलना बंद हो चुके हैं। इसके अलावा ICICI बैंक ग्राहकों के लिए एक राहत की खबर है, आपको क्रेडिट कार्ड थोड़ा सस्ता पड़ेगा। वजह यह कि कई तरह के चार्जेस को बैंक बंद करने जा रहा है, जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। ICICI बैंक में चेक या कैश पिकअप करने पर लगने वाले 100 रुपए के चार्ज को बंद कर दिया। चार्ज स्लिप रिक्वेस्ट पर लगने वाले 100 रुपए के चार्ज को भी बंद कर दिया। 300 रुपए की न्यूनतम लागत के साथ ड्राफ्ट वैल्यू अमाउंट के 3% कटौती को भी बंद कर दिए। ये सभी ICICI बैंक के नियम 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलने जा रहे हैं, जिसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। और इसके अलावा HDFC बैंक कार्ड के नियम तो मैंने आपको बता ही दिए, जो कि 1 अगस्त से लागू होंगे, लेकिन इसमें तो ट्रांजेक्शन फीस वगैरह आपको 1% अतिरिक्त देना पड़ेगा, है ना। और वहीं दोस्तों आज सराफा बाजार के ताजा रेट की बात करें तो देखिए सोना चांदी के दामों में गिरावट आई है। 10 ग्राम सोना 71,626 पर बंद हुआ, जबकि चांदी भी 88,000 रुपए के नीचे आई। सोना 209 रुपए गिरकर आज 71,626 पर चल रहा IBJA की लेटेस्ट वेबसाइट के मुताबिक, जबकि चांदी में दोस्तों आज 446 रुपए की गिरावट देखी गई। और अभी चांदी का रेट 87,554 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि इससे पहले चांदी 88,000 पर थी। तो ये सोना चांदी के रेटों में प्रमुख बदलाव हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जुलाई महीने में सरकार बजट भी जारी करने जा रही है ना। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले इस पूर्ण बजट में देखते हैं और हमारे देश में क्या चीजें सस्ती होती है क्या महंगी होती है। मिड जुलाई के लगभग 15-20 जुलाई के समथिंग बजट आएगा, तो मैं आपको सारे हाइलाइट्स अलग से बता दूंगा। और बाकी जुलाई महीने से कुछ ऐसे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं, जैसे मोबाइल सिम कार्ड को लेकर, बैंक लोन वगैरह को लेकर, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से संबंधित। तो ये सभी नए नियमों का कंप्लीट कंप्लेंस वीडियो डीएलएस न्यूज चैनल पर मैंने डाल रखा, तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, आपको जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा।
देना मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।